अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मुजीब दश्ती। मैं आप सबको अपने नए व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ बाजार में, कुछ चीज़ें भी खरीद लेता हूँ और बाजार के भी जायजा लेते हैं। रमजान में क्या चल रहा है बाजार में, कैसा है, क्या क्या चीज मिलते हैं, तो आप सबको भी दिखा देता हूँ। देखते रहना वीडियो को, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसा है, कैसा है उधर का बाजार। मैं आप सबको आज दिखाने ही वाला हूँ, देखते रहने वीडियो को। तो बाकी दोस्तों, आप सबसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को आगे शेयर कर देना और खुद भी सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ वीडियोस भी देखते रहना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि नए सारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलते हैं बाजार की तरफ और आपको भी साथ लेकर चलते हैं। देखते रहना वीडियो को आखिर तक और लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, लाइक करना ना भूलना। चलो चलते हैं बाजार की तरफ। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ अपने दोस्त को पिकअप करने, उसको पिकअप करता हूँ फिर चलता हूँ बाजार की तरफ। यह है मेरा दोस्त, अभी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है, ठीक ठाक खैरियत है। चलो चलते हैं बाजार की तरफ। मैं अभी कुछ भूल गया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर में, उस चीज़ को लेता हूँ फिर जाता हूँ बाजार की तरफ, देखते रहना। हम दोबारा पहुंच गए गवदर बाज़ार में। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, एक दोस्त ने कहा था कि मैं लॉटरी ले लूँगा, उसका टिकट मैं अभी बना रहा हूँ। तो फिर से अभी हम जा रहे हैं बाज़ार की तरफ। यह है मक्की मस्जिद के सामने, जो कि मक्की मस्जिद के आमने सामने यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, तरह तरह के हैं, हर साल की तरह इस साल भी लगे हुए हैं। आगे तो बहुत रश है, यहाँ रास्ता ख़राब है, तो मैं निकल रहा हूँ पिछले वाले रास्ते से। अभी हम यहां आ पहुंचे हैं गवादर गलग में और इसके बाद अब जाने वाले हैं गवादर पाजल चौक में। यह है गवादर पाजल चौक, इस जगह का नाम है पाजल चौक, और यहां का आला ताफ भी देख सकते हैं। और साइड में तो रेडी खड़े हुए हैं, समोसा वगैरह बेच रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं कि गटर लाइन कैसा है, आप देख सकते हैं खजूर का क्या हाल बना हुआ है। अभी आप देख सकते हैं मक्कियों ने क्या हाल कर रखा है। वहां से निकलने के बाद अभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ मक्की मस्जिद के सामने, मेरा दोस्त अभी दूध ले रहा है। Thank you.
चलो दोस्तों, यह था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए दिन नए जगह नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।